दोस्तों मारुति अल्टो का ये ब्रेक शू है जो इसको हम नया लगा रहे हैं। स्प्रिंग इसका टूट गया था इसी में, तो ब्रेक पकड़ ले रहा था और हैंड ब्रेक नहीं काम कर रहा था, ये कट गया है ना, ये देखिए एकदम ख़त्म हो गया है, देख रहे हैं दिखाई दे रहा है, ये ख़त्म हो गया है। ये देख रहे हैं कितना मोटा होता है, देखिए कितना ख़त्म हो गया है, एकदम ख़त्म हो गया है। इसके लिए इसको चेंज किया जा रहा है, चेंज करेंगे ब्रेक अच्छा हो जाएगा, स्मूथ पकड़ेगा ब्रेक और हैंड ब्रेक भी अच्छे से काम करेगा। देखिए इसका जो है इस तरह की फिटिंग होगी इसकी, देखिए बैठ गया ना। इसके बाद इसको लगाएंगे स्प्रिंग को, मेन वाली तो स्प्रिंग लगा लिए, इसके बाद इसको लगाएंगे। इसको लगाएंगे थोड़ी दिक्कत सी लगता है, आसानी से नहीं लगता है क्योंकि स्प्रिंग है भाई थोड़ा सा। देखिए लग गया, अब इसको क्या है इसमें टेढ़ा करके इसको बैठाया जाएगा, देखिए बैठ गया बैठ गया। और इसका जो है ये नीचे वाला स्प्रिंग लगा लेंगे, लगाने के बाद अब गाड़ी में फिट किया जाएगा। आओ भाई गाड़ी में दिखाओ, गाड़ी में फिट किया जाएगा, यहाँ पे देखिए फिट किया जाएगा इसको। बाबू पेचकस दो, तो पेचकस गिलास दे दो इसको, थोड़ा सा इसको हम लोग दाबेंगे, इसको दाबेंगे जब तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा तो स्प्रिंग अच्छे से निकल जाएगी, लगाने में थोड़ा सा आसानी होगा। ये हैंड ब्रेक का वायर है, हैंड ब्रेक का वायर कुछ इस तरह दाब के लगाएंगे। ये देखिए देख रहे हैं ना, लग गया ये, लगाने के बाद जो है बाबू कपड़ा दो तो देखिए इसमें हलाएंगे, इसको अंदर डाल दिया गया। अब ये जो है इसको अब सही जगह फिट किया जाएगा, पहले इसको एक को लगा दिया जाएगा लॉक को। ये देखिए इसकी पत्ती है ब्रेक वाली, इसको लगाएंगे इस तरह, ये हो गया। और इसको पेचकस से प्रेस करके घुमा देंगे, इसको इस पोजीशन में रखेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला ये है, और इसको अब इसको इस तरह बैठ गया। अब नीचे वाला दाब किस तरह बैठाएंगे इसको, देखिए बैठ गया, लगाएंगे इसमें लगाने के बाद ये प्रोसेस हो गया, तो परफेक्ट हो गया। तो इसको ड्रम डाल के चेक करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा अंदर कर देंगे जिसको हम फैलाए हैं, तो अंदर कर लिए कि स्प्रिंग बाहर निकले ना, ये तो दिक्कत हो जाएगी, ड्रम को काट देगी। इसको साफ कर लिया जाएगा, तो चालू होगा ब्रेक दाबो दाबे हो। देखो दोस्तों ये नीचे लाख इसके लगा हुआ है, ये लाख है, देख रहे हैं लाख है, इसको जो है पेचकस से देख रहे हैं, ये लाख जो है ना लॉक करके रखता है। ब्रेक दाबो, ब्रेक दाबो, देखिए इसकी सेटिंग जो है यहाँ से बढ़ेगी, देख रहे हैं ना हाथ से ब्रेक मारेगा आगे इस लड़का तो ये सेटिंग यहाँ बढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये देखिए ये जो लीवर है जो हैंड ब्रेक का है, इसको जो है ना कितने लोग जो है अंदर से टाइट करते हैं, जैसे कि यहाँ से फोटो दिखाओ, यहाँ से खोल के यहाँ से टाइट करते हैं, यहाँ से नहीं टाइट करना, यहाँ से टाइट करेंगे तो ये लीवर क्या, इधर आओ दिखाओ बाबू,
ये लीवर जो है ना, ये लीवर वहाँ से जब टाइट करेंगे लीवर आगे आएगा, आगे आएगा जब, तो इसको काटेगा, इसको जो ये जो ड्रम है ना इसको काटना चालू कर देगा, यहाँ से काटने लगेगा। जब यहाँ से हम सेटिंग करेंगे हैंड ब्रेक की तब सही रहेगा। जब भी हैंड ब्रेक का सेटिंग करना है तो चक्का खोल के हैंड ब्रेक की सेटिंग करो, नहीं तो इसको काट देगा, ये आगे आएगा। जब वहाँ से टाइट करेंगे तो वायर खींचेगा, तो इसमें आके टच होगा, इसमें गैपिंग कम रहता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि अभी ये हो गया है, हम सेटिंग करने जा रहे हैं,